श्रियांश बसीन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल द इन्वेस्टोलॉजी। सो गाइस, आज की मार्केट बहुत ज्यादा फॉल करी है एंड ऑलमोस्ट ऊपर लेवल से एक हेवी सेल ऑफ हमें देखने को मिला है। दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एक ब्रेकआउट भी आया था बैंक निफ्टी के अंदर 38,500 पे, जहां पर हेवी कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन एग्जिट करके गए थे और पुट राइटर्स कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन एग्जिट करके गए थे एंड पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन एड ऑन करी थी। बट आफ्टर दैट 300 पॉइंट्स ऊपर गया, डबल टॉप क्रिएट करा एंड एक हेवी सेल ऑफ देखने को मिला। सो गाइस, इस सिनेरियो के अंदर हमें थोड़ा सा सेफ रहना चाहिए और कोई भी स्टॉक स्पेसिफिक अभी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। अगर आप चेक करोगे अपने इंडेक्स को तो आप देखोगे 3 से 4 दिन तक साइडवेज मार्केट रह रही थी। आज के दिन एक वॉलेटिलिटी, एक बड़ी मार्केट हमें देखने को मिली और शायद यहाँ पर हमें आप पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। सो आज की वीडियो पे मैं कोई भी स्टॉक्स पे बात नहीं करने वाला, सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी ओपन इंटरेस्ट और FII के डाटा के बेसिस पे हम पता लगाएंगे कि मार्केट की अपकमिंग डायरेक्शन क्या लग रही है। दूसरा पॉइंट, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, अगर इतनी बड़ी सेल ऑफ आई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब एक रिवर्सल आना स्टार्ट हो गया है, अब एक करेक्शन आना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब ये भी हो सकता है इतनी बड़ी जो मूव आई थी आने वाले पहले से, जो हम इतनी बड़ी मूव देख रहे हैं उस पे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करा होगा या फिर एक सेलिंग, थोड़ा सा हम लोग देख रहे होंगे कि प्रेशर होगा बजट का, अपकमिंग बजट का। सो कोई डरने की बात नहीं है गाइस, हमें पहले ऑब्जर्व करना है कि वो कैंडल स्ट्रक्चर क्या बना रहा है आने वाले 2-3 दिन में, उसी के बाद अपना एक डिसीजन ले सकते हैं वेदर इट्स अ रिवर्सल और नॉट। सो गाइस, चलते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप की तरफ। सो गाइस, मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया है, यहाँ पर मैंने डेली टाइम फ्रेम ओपन करा और एग्जैक्टली जो हम लोगों ने रेंज डिसाइड करी थी कि जब तक उसके ऊपर नहीं जाएगा हमारे लिए बाय सेटअप नहीं बनता, एग्जैक्टली उसी लेवल से एक सेल ऑफ देखने को भी मिला है। सो लेट मी शो यू ऐसा हुआ कैसे। आप देख सकते थे कि हम लोगों ने ग्रे कलर का एक रेंज बना रखी थी, इसको हम थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। इस ग्रे कलर के जोन पे इसने जब भी ब्रेकआउट दिया, आप देख पा रहे हैं कोई भी एक ग्रीन कलर की कैंडल, एक पॉजिटिव कैंडल नहीं थी। आफ्टर दैट कोई बात नहीं, एक फॉल आया और उसके बाद दोबारा एक छोटा सा पुल बैक दिया, पुल बैक देने के बाद अगेन एक फॉल, अगेन पुल बैक और एक बहुत बड़ी फॉल आ गई। सो दोबारा मूव करते करते, निफ्टी ट्रैवल करते करते एग्जैक्टली इसी लेवल पे आया। आज अपने एग्जैक्टली इसी रेंज के हाई को टेस्ट करा और हाई कैसे डिसाइड करा था वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, हम बिल्कुल फुल प्रूफ काम करते हैं और इसी तरीके से अपनी एनालिसिस करते हैं। इस रेंज का हाई वही था जिस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी थी, तो इसी एग्जैक्टली का हाई था और एग्जैक्टली इसी लेवल से ये नीचे आया और उसके नीचे जाके ट्रेड करना स्टार्ट हो गया। अब आप देखेंगे जब से एक रैली आना स्टार्ट हुई थी 16,500 रुपीज से, कोई भी इतनी बड़ी हम लोगों को रेड कलर की कैंडल देखने को नहीं मिली है। सो आई थिंक अब हमें समझना चाहिए कि किस तरीके से मूव कर रहा है और बहुत अच्छा हमारा सपोर्ट था 18,200 रुपीज का, जो कि बहुत तेजी से ब्रेक हुआ है। तो आई थिंक ये एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ऑन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम अगर हम लोग चेक करें तो ऑन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। मैं लेट मी रिमूव दिस। ओके, सो ऑन अ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम एक फॉल आया, अगेन इसने मूव करा, अगेन एक फॉल आया, एक लोअर लो लोअर हाई क्रिएट हुआ है। अब यहाँ पर शॉर्ट करने के हमारे पास 2-3 अच्छे पॉइंट्स हो सकते हैं। सो आई थिंक सबसे पहले अगर हम पॉइंट ढूंढे तो अगर इस रेंज के अंदर हमें मिलता है तो डेफिनेटली एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है। सो इस रेंज पे हम लोग अच्छा सा एक शॉर्ट ट्रेड एग्जामिन करके चल सकते हैं। अगर ये स्टॉक बाउंस करता है, ये इंडेक्स बाउंस करता है तो 18,180-190 के आसपास, तो अगर वहां से ये फॉल करना स्टार्ट करता है तो कोई भी बियरिश कैंडल पे हम लोग अपना एक शॉर्ट ट्रेड लेकर चल सकते हैं। अब क्वेश्चन आएगा शिवान सर कि आप हम लोग बाय ट्रेड ले सकते हैं एक अच्छे लेवल पे हमें मिल रहा है? नहीं, क्योंकि ये कैंडल इतनी ज्यादा बियरिश बनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट यहाँ से बहुत तेजी से नीचे जा सकती है, मैं ये कह रहा हूँ आफ्टर अ वेरी गुड रैली, बहुत टाइम से जो 1,000-2,000 पॉइंट की रैली आई थी उसके बाद से मार्केट एक पॉज ले रही है, एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा रही है। सो वी डोंट नो कि ये वाली कैंडल एक प्रॉफिट बुकिंग कैंडल हो सकती है कि फर्दर और कैंडल्स डेवलप हो सकती है। सो कल के मार्केट पे हमें पेशेंसली वेट करना है, कोई स्टॉक स्पेसिफिक नहीं है, फोकस्ड ऑन ओनली इंडेक्स, बिकॉज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम 4 से 5 दिन के बाद एक बड़ी मूवमेंट, एक बड़ी वॉलेटिलिटी हमें मार्केट पे देखने को मिली है और इस पे ट्रेड करने का मजा आ सकता है। ठीक है, अब बात आता है कि शिवान सर अगर ये फॉल करना स्टार्ट करता है तो कहां तक कर सकता है। देखिए, सबसे पहला जो मैं मान के चल रहा हूँ दैट शुड बी 18,075, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ठीक है, तो अगर बाउंस के साथ गिरता है तो यहाँ पर अपना एक टारगेट एग्जामिन करके चल सकते। Rather than that, अगर मैं देखूं तो मेरे लिए जो एक बढ़िया लेवल देखने को मिल रहा है that should be around this level, जो कि 17,940 का लेवल है। So I think उस तरीके से हम लोग अपनी प्लानिंग करके चल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक बार बैंक निफ्टी की और उसके बाद ओपन इंटरेस्ट का डाटा और FII का डाटा के साथ भी अपनी स्टार्ट करते हैं।
बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम हमने ओपन कर दिया एंड यहाँ पर भी हम एक चीज देख रहे हैं कि ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस एक बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिली है। आफ्टर दैट एक जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई हुआ करता था उसका एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया एंड अपने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर जाके क्लोजिंग करी, विच इज अ वेरी गुड साइन। अब देखने वाली बात यह है कि अगर ये नीचे डिप देता है तो इसका जो टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन अ डाउन साइड, जहां पर हम एक शॉर्ट ट्रेड भी ले सकते हैं, दैट इज 37,300 रुपीज का। अभी भी अपने करेंट लेवल से हम मान के चल सकते हैं ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स का टारगेट बैंक निफ्टी ऑन अ शॉर्ट साइड दिखा सकता है। अब यहां पर अगर आप कैंडल्स को ऑब्जर्व करोगे किस तरीके की कैंडल्स बन रही है, सो यहां पर आप देख सकते हैं पहले बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती रही, उसके बाद एक इंडिसाइसिव कैंडल बनी, फिर एक छोटी कैंडल बनी, उसके बाद एक फॉल आया एंड इसने रिट्रेसमेंट लेके ऊपर की तरफ करा, पुल बैक करा एंड इट क्रिएटेड अ डबल टॉप, इट क्रिएटेड अ डबल टॉप और एक फॉल आना स्टार्ट। सो आई थिंक हम अगर टारगेट एक्सपेक्ट करें और अगर एक फॉल आता है अपने आज के लो को ब्रेक करके, कल अगर बैंक निफ्टी नीचे जाना स्टार्ट करता है तो डेफिनेटली एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं हम लोग। सो लेट मी शो यू ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। सो ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो एक बहुत अच्छा डबल टॉप क्रिएट हुआ, एक हैवी सेल ऑफ हमें देखने को मिला और अभी 38,200 पे क्लोजिंग करी है। सो अभी एक बहुत अच्छा जो सपोर्ट का रेंज है दैट इज 38,000 to 38,200 रुपीज का। अगर ये इस लेवल पे पॉज ले लेता है, कल अगर ये गैप डाउन ओपन होता है 38,000 पे पॉज ले लेता है तो डेफिनेटली एक बाउंस मैं एक्सपेक्ट करने की कोशिश करूंगा। अदर देन दैट अगर ये ब्रेक होता है और रीटेस्ट करके अगर एक फॉल आना स्टार्ट होता है देन हम लोग एक शॉर्ट बना सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 37,300 रुपीज का। ठीक है, अब बात करते हैं एक बार ओपन इंटरेस्ट का डाटा की और उसके साथ क्लेरिफाई करते हैं कि क्या ओपन इंटरेस्ट और टेक्निकल मैच कर रहा है और उसके बाद एफआईआई का डाटा भी देख लेंगे। मैंने निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का ओपन इंटरेस्ट करा हुआ है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी पुट राइटर्स थे वो सब मार्केट से एग्जिट कर चुके हैं। एवरी स्ट्राइक प्राइस पे जितने भी पुट राइटर्स थे सब एग्जिट कर चुके हैं एंड आप हर देख सकते हो हर स्ट्राइक प्राइस के अंदर आपको कॉल राइटर्स एक्टिव होते हुए देखेंगे। सो आई पर्सनली थिंक कि 18,200 एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है और वही हमारा एक टारगेट है जिस लेवल से हमें एक शॉर्ट टर्म की अपॉर्चुनिटीज बनानी है। अभी हमने बात करी थी ना अगर 18,190-200 पे आता है और रिवर्सल देता है वहां पे, क्योंकि जितने भी ये पीछे वाले कॉल राइटर्स हैं सारे अगले दिन एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएंगे और आगे की तरफ पुश होना स्टार्ट हो जाएंगे बिकॉज उसके अगले दिन थर्सडे को एक्सपायरी है। सो आई पर्सनली थिंक यहाँ पर एक शॉर्ट करने के अच्छे चांसेस मिल सकते हैं। अब बात आता है कि सर कितना गिरावट ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से हमें देखने को मिल रही है, तो आई कैन पर्सनली अश्योर यू कि 17,800 तो सिर्फ ओपन इंटरेस्ट का डाटा दिखा रहा है जो कि उसी लेवल पे पुट का ओपन इंटरेस्ट का चेंज है हाईएस्ट, जहां पर आप देख सकते हैं नेग्लिजिबल है बिल्कुल एक तरीके से। सो आई पर्सनली थिंक निफ्टी तो बहुत ज्यादा वीक लग रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर कॉल राइटर्स भी एग्जिट करें पुट राइटर्स भी एग्जिट करें, क्यों? क्योंकि 38,500 के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया था, उसके बाद जब ब्रेकआउट आया था तो जितने भी कॉल राइटर्स एक्टिव थे उस 38,500 के अंदर जब वो ऊपर की तरफ 300 पॉइंट ऊपर चला गया तो पर्सनली बहुत सारे कॉल राइटर्स एग्जिट कर गए थे। सिमिलरली 38,800 पे एक डबल टॉप पे था तो वहां पर पुट राइटर्स भी एग्जिट होना स्टार्ट हो गए थे एंड जैसे ही एक सेल ऑफ आया था बहुत बड़ा तो आई थिंक आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो एवरी बडी स्क्वाड ऑफ देयर पोजिशन। अब हाईएस्ट पुट का ओपन इंटरेस्ट 38,500 पे देखने को मिल रहा है, आई डोंट नो व्हाई अभी भी वहां पर वो लोग पोजीशन बना के रखे हुए हैं, बट अगर कल इसी लेवल पे खुदता या फिर कल एक गैप डाउन ओपनिंग होती है तो ये पुट राइटर्स भी वहां से एग्जिट कर लेंगे बिकॉज उनको हेवी लॉसेस शो होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड वहां से वो लोग शिफ्ट कर लेंगे और कॉल राइटर्स और पोजीशन एक्टिव बनाना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी आप क्लियरली ऊपर देख रहे हो कॉल और पुट राइटर्स आगे की तरफ है विच इज नो पॉइंट। अगर कल जिस तरफ मार्केट खुलती है और उस तरफ स्टार्टिंग के बेसिस पे अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू करती है वहीं पर ही पूरे टाइम मार्केट रहने वाली है। ठीक है, एक बार एफआईआई का डाटा अगर हम लोग चेक करें तो एफआईआई का डाटा पे अगर हम देखें तो 205 करोड़ की एफआईआई की इंडेक्स की सेलिंग हुई है। इसके अलावा उन लोगों ने 51,000 क्वांटिटीज कॉल को शॉर्ट करा हुआ है और पुट को सिर्फ 9,000 क्वांटिटीज। सो आई पर्सनली थिंक यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड लेने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं और एक सेल ऑफ की एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं। सो आई थिंक विद ऑल द डाटा अगर हम लोग कनेक्ट करें तो हमें लग रहा है कि बाय ऑन डिप्स तो खत्म हो गया अभी रिसेंटली के लिए और अभी सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी हम लोग 1-2 दिन बना के चल सकते हैं इस कमिंग एक्सपायरी के लिए। सो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लिंक पे आपको डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो वहां पर आपको सारे अपडेट्स प्रोवाइड होंगे, सो वहां पर आप जाके ज्वाइन भी कर सकते हैं। हैव अ वेरी गुड डे गाइस।